राज्यसभा चुनावों को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के आवास पर भाजपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीच में मंत्रणा हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और आरएलपी प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग भी मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल और प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग ने कांग्रेस पर उनके विधायकों को खरीदने और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने का आरोप लगाया। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राज्यसभा चुनावों में आरएलपी के सभी विधायक भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालेंगे। इसी के साथ में खरीद फरोख्त को लेकर कहा कि समय आने पर खरीद फरोख्त करने वालों का नाम भी उजागर किया जाएगा। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है और 16 जून को राज्यसभा चुनावों के लिए विधायक दल की बैठक होगी। उनकी पार्टी के उनके लोगों ने ही हमारे सहयोगी दलों को भी नहीं छोड़ा और उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों को इस तरीके की बेबुनियाद खबरें चलाई, भ्रम फैलाने की कोशिश की। एक किस्म से जो मानहानि उन्होंने पिछले दिनों शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी की करने की कोशिश की है, उसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों को भी अपने खेमे में उनके लोगों ने कुप्रचारित किया। मुझे लगता है कि इस बात से साबित होता है वो कितने असुरक्षित हैं और राजनीतिक मर्यादाओं से कितने गिरे हैं। और आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी, जो नागौर से सांसद भी हैं और सब इस बात को जानते हैं कि किस तरीके से मोदी जी के साथ एनडीए के हाथ मजबूत करते हुए किसानों की बात को भी पुख्ता तरीके से रखते हुए दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के साथ एनडीए घटक दल के रूप में लोकसभा चुनाव के अंदर भी हमारा बीजेपी के साथ समझौता था, 25 सीटों पर कांग्रेस को परास्त किया और अभी जो राज्यसभा के चुनाव है 3 सीटों के, उस चुनाव के अंदर आरएलपी पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके साथ है। अभी आज गुलाब जी भाई साहब के यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी, राजेंद्र राठौड़ जी, चंद्रशेखर जी, सब लोगों की जो बैठक थी उसमें वैसे हमने पहले से ही हमारा समर्थन, चूंकि हम दिल्ली में एनडीए गठबंधन के रूप में साथ दे रहे हैं तो यहाँ ऑलरेडी बीजेपी के निर्णय के साथ ही आरएलपी का निर्णय और पूरा समर्थन भी रहेगा, पूरी ताकत हम लगाएंगे। इसके बारे में हमारे जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जो अभी बात कही, भाई हमें भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना है तो हम सभी विधायक 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट देंगे। और इस चुनाव में सरकार ने अनेक प्रकार के अनैतिक हमारे ऊपर दबाव बनाया,